किशोर कुमार ने अपने पूरे जीवन में लगभग सभी एक्ट्रेस के लिए गाना गाया, लेकिन दिलीप कुमार के लिए उन्होंने सिर्फ एक ही गाना गाया। ऐसा नहीं था कि किशोर कुमार और दिलीप कुमार समकालीन नहीं थे। दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद की टिकड़ी में दिलीप कुमार के लिए मोहम्मद रफी साहब, तो राज कपूर के लिए मुकेश और देव आनंद के लिए किशोर कुमार गाना गाया करते। दूसरे शब्दों में कहें तो इन तीनों को इन्हीं तीन गायकों की आवाज ज्यादा सूट किया करती। लेकिन मुकेश ने दिलीप कुमार के लिए कई सारे गाने गाए, मगर किशोर कुमार ने अपने पूरे कार्यकाल में दिलीप साहब के लिए सिर्फ एक गाना गाया। ये गाना था फिल्म सगीना का, और वो गाना था साला मैं तो साहब बन गया। इस गाने में नशे में धुत दिलीप कुमार की नौटंकी देखने लायक है, और कहीं लगता ही नहीं कि किशोरदा की आवाज दिलीप कुमार पर फिट नहीं बैठ रही। लेकिन दिलीप कुमार के लिए अपनी आवाज देने का मौका किशोर कुमार को दोबारा नहीं मिल सका। इसकी वजह इन दोनों में कोई खटपट या और कुछ नहीं था, बल्कि दोबारा ऐसा मौका आया ही नहीं।